नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देशभर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बनेगा नया बोर्ड, इस राज्य में सरकार ने रखा है प्रस्ताव। एजुकेशन फील्ड में बीते कुछ वक्त से जो है कई बदलाव देखे जा रहे हैं, खासतौर पर नई शिक्षा नीति के सामने आ जाने के बाद इन बदलावों में काफी तेजी आ पा रही है। एजुकेशन बोर्ड की तरफ से शिक्षा के स्तर में सुधार और नकल पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए विभिन्न प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, विभिन्न तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में खबर असम से सामने आई, जहाँ पर सरकार और माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए जो है सरकार 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड क्लासेस जो है उसका राज्य बोर्ड में विलय कर एक नया बोर्ड बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर लिया गया है। यानी सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए 10वीं और 12वीं क्लास के राज्य बोर्ड का विलय कर एक नया बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। कल शाम जो है असम सरकार ने जो है राज्य में 12वीं क्लास तक की शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नए बोर्ड बनाने की यहाँ पर घोषणा जो है यहाँ पर विधानसभा में यहाँ पर उन्होंने की। यानी विधानसभा में असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड विधेयक 2024 जो है पेश किया, जिसके मुताबिक माध्यमिक शिक्षा असम और असम उच्चतर शिक्षा परिषद का विलय कर एक नया बोर्ड जो है असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। वह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा गया कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा का विनियमन, निगरानी और विकसित करने के लिए इसे लाया गया है। वही ASSEB के प्रमुख जो है वो सरकार की ओर से यहाँ पर नामित एक अध्यक्ष यहाँ पर होगा, जिसका अधीन जो है जिसके अधीन उपाध्यक्ष और हर प्रभाग का देखभाल जो है वो यहाँ पर करेगा। साथ ही इसे सरकार की तरफ से नियुक्ति यहाँ पर किया जाएगा। नए बोर्ड में 21 मेंबर होंगे, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, जिसे बाद में उतनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश के अंदर वंदे भारत ट्रेनों में अब निःशुल्क मिलेगा पीने का पानी, 500 ml की बोतल मिलेगी फ्री। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत अब जो है यात्रियों को 500 ml का पानी की बोतल जो है निःशुल्क देगी। रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे और IRCTC को निर्देश इस बारे में यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब तक वंदे भारत यात्रियों को इस सुविधा नहीं मिलती थी। वही वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। आगरा रेल मंडल की ओर से PRO जो है उन्होंने बताया है कि यात्रियों को वंदे भारत ट्रेनों में जो है 500 ml रेल नीर बोतल जो है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यहाँ पर मिलेगी। इस संबंध में रेलवे और IRCTC ने निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार 500 ml की एक बोतल जो है रेल नीर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोतल यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की मांग पर जो है उन्हें परोसी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब चावल 29 रुपए और दाल 60 रुपए किलो बेच रही है सरकार। महंगाई को कम करने को लेकर सरकार जो है अनाज की कीमतों को यहाँ पर सस्ती देने से यहाँ पर जो अनाज जो है बेच रही है। दरअसल खुदरा अनाज जो है उसकी कीमत में तेजी देखने के बाद चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए, चावल 29 रुपए और दाल 60 रुपए किलो बेच रही है सरकार। खुदरा अनाज की कीमतों में तेजी देखने के बाद सरकार जो है भारत ब्रांड के तहत रियायती दरों पर अनाज बेच रही है। हालांकि आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दाल देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली दाल है। वही भारत दाल में जो है यहाँ पर भारत दाल चना की दाल जो है बेचा जाता है, इसमें एक किलो पैक में केवल यहाँ पर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये यहाँ पर मिलता है। वर्तमान में ये नाफेड और NCCF और केंद्रीय भंडार और सफल द्वारा जो है संचालित यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं। वही राज्य सरकारें राज्य नियंत्रित सहकारी समितियां और निगमों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं बीज वितरण के लिए इस दाल का इस्तेमाल किया जाता है। आप भारत ब्रांड के तहत आटा और चावल भी जो है वो खरीद सकते हैं। वही मंगलवार को जो है मोदी सरकार ने भारत चावल को भी लॉन्च किया है। सरकार ने इसे यहाँ पर शुरुआती दिन के लिए जो है 5 लाख मीट्रिक टन चावल निर्धारित इसका किया है। मूल्य इसका रहेगा 29 रुपए किलो। इसमें 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बैग जो है उपलब्ध होंगे। इसे मोबाइल वैन और भौतिक दुकानों के माध्यम से बेचा जा रहा है। इसके अलावा इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि भारत दाल और भारत आटा की तरह भारत चावल की बिक्री जो है वो देश के अंदर सफल रहेगी।